Hello students, today we will discuss about optical path and path length difference. Optical path जो है वो ray आप medium के अंदर कितना move करती है और उसी को अगर हम relate करें कि वो air के अंदर जो है उस corresponding medium के लिए कितना move करेगी उसी को हम optical path कहते हैं. अब देखिए इसका meaning कैसे समझाएंगे हम. Distance travelled by light in medium of refractive index mu in time t is given by. अब देखिए कोई भी जो length है, मान लीजिए कि हमारे पास medium है और इस medium के अंदर हमारी जो radiations हैं वो v velocity के लिए move कर रहे हैं और t time के लिए move कर रहे हैं, तो length तो हम यहाँ से निकाल लेंगे, L is equal to vt. लेकिन हम मीडियम की बात कर रहे हैं तो ये मीडियम के लिए लेंथ है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन मीडियम. तो डिस्टेंस ट्रेवल इन मीडियम को हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया है, L से रिप्रेजेंट कर दिया. V इज़ द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम और t टाइम के लिए हमने देखा है, तो L इज़ द लेंथ और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन मीडियम हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू. आप इसको म्यू से इंडिकेट कर सकते हैं. अब इसी टाइम t के लिए जब लाइट मूव करेगी एयर के अंदर तो वेलोसिटी वी नहीं रहेगी, वेलोसिटी सी हो जाएगी. तो अब हम डिस्टेंस जब निकालेंगे, सी इंटू टी करेंगे, तो सी इंटू टी तो वी इंटू टी से ज़्यादा आएगा, तो ये जो लेंथ है वो भी चेंज हो जाएगी. वो जो लेंथ आएगी वो हमारी ऑप्टिकल लेंथ है. ऑप्टिकल लेंथ हमें उतने ही टाइम पीरियड के लिए लाइट को मूव करवाना है जितने टाइम पीरियड के लाइट मीडियम में मूव कर रही थी. तब हम ये देखेंगे कि जो लाइट है वो कितना डिस्टेंस मूव करती है आपकी वैक्यूम के अंदर या एयर के अंदर कोरस्पोंडिंग टू दिस टाइम पीरियड, इस टाइम पीरियड के लिए, उसी को हम नाम देते हैं ऑप्टिकल पाथ. तो इसको देखिए किस तरह से हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं. इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें पता है कि हमने वेलोसिटी जो है वी, तो हमने वेलोसिटी मीडियम के अंदर मानी थी, लेकिन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम फॉर द सेम टाइम टी इज़, तो टी के लिए अगर आप देखेंगे तो आपको पता है कितना आ जाएगा. तो हमारे पास टाइम जो है वैक्यूम के अंदर सी से मूव करेगी, टी आपके पास टाइम है, तो दिस इज़ द लेंथ कवर्ड इन वैक्यूम. तो अब ये देखिएगा यहाँ पर टी की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं इन द टर्म्स ऑफ एल एंड वी. तो पीछे हमने निकाला था एल इज इक्वल टू वी इंटू टी, तो यहाँ से टी की वैल्यू निकाल दीजिएगा, टी कम्स आउट टू बी एल अपॉन वी, सी अपॉन वी, दैट इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम. तो अब ये देखिएगा दिस इज़ द लेंथ ट्रेवल्ड इन मीडियम बाय द लाइट हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एंड दिस इज़ द लेंथ ट्रेवल्ड इन बाय लाइट इन वैक्यूम, वैक्यूम के अंदर. तो वैक्यूम में देखिए ज़्यादा मूव कर रही है और मीडियम के अंदर कम मूव कर रही है. तो टी टाइम के लिए अगर हम एयर के अंदर लाइट का देखें कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, तो वो लैम्डा है. और इसी को जब हम देख रहे हैं इन मीडियम, तो वो हमारे पास कितना आ गया है, वो हमारे पास एल आ गया है. और इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, L को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम से क्या करवा दीजिए, मल्टीप्लाई करवा दीजिए. दिस इज़ आवर ऑप्टिकल लेंथ. हमारे ऑप्टिक्स के अंदर जब भी हम स्टडी करते हैं, जब भी हम डिस्टेंसेस निकालते हैं या डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट निकालते हैं, हम ये वाला निकालते हैं, दैट इज़ ऑप्टिकल लेंथ. हम ऑप्टिकल लेंथ निकालते हैं. तो ऑप्टिकल लेंथ जो है इस तरह से रिलेट करती है हमारे मीडियम के साथ. तो ये ध्यान में रखिएगा, एल जो है ज्योमेट्रिक पाथ कहलाता है, ज्योमेट्रिक पाथ लेंथ कहलाता है. तो देखिए ज्योमेट्रिक पाथ लेंथ इज़ ऑलवेज लेस देन ऑप्टिकल पाथ लेंथ. तो आप ज्योमेट्रिकल पाथ लेंथ को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऑप्टिकल पाथ हमारा आ जाएगा. डेल्टा इक्विवेलेंट डिस्टेंस इन वैक्यूम कॉल्ड ऑप्टिकल पाथ लेंथ. तो दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट रिलेशन. अगर न्यूमेरिकल में कहीं पर हमें ज्योमेट्रिकल पाथ दे रखा हो तो सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए एंड यू विल गेट द ऑप्टिकल पाथ. इंटरफेरेंस के अंदर, डिफ्रैक्शन के अंदर, रिफ्लेक्शन के अंदर, रिफ्रैक्शन के अंदर वी डिस्कस अबाउट दिस लेंथ. हम इस लेंथ की बात कर रहे हैं, हम ऑप्टिकल पाथ की बात करते हैं. इन स्टडी ऑफ इंटरफेरेंस यू ऑलवेज टेक ऑप्टिकल पाथ ट्रेवल्ड बाय लाइट रेज. तो ये सीरीज जो है हम लेक्चर्स की इंटरफेरेंस से रिलेटेड पढ़ रहे हैं. तो दिस इज द पाथ ट्रेवल्ड बाय द लाइट, इसी पाथ की हम बात कर रहे हैं, दैट इज़ ऑप्टिकल पाथ. नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा रहेगा
दैट इज पाथ लेंथ डिफरेंस। अभी देखिए पाथ लेंथ डिफरेंस का मतलब क्या है, हमें ये पता है कि अगर जैसे इंटरफेरेंस के फिनोमिना में ही देख लें कि आपके पास S1 और S2 दो सोर्सेज थे, S1 सोर्स से P के ऊपर जो रेडिएशंस पहुंच रही हैं वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड कर रहे हैं मान लीजिए L1 लेंथ का, और S2 से जो हमारे पहुंच रहे हैं P पर वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड कर रहे हैं L2 का। तो ये जो L2 और L1 का डिफरेंस है इसी को हम पाथ लेंथ डिफरेंस कहते हैं। तो ये जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द रेडिएशन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट है, तो इनमें जो डिफरेंस आता है उसी को पाथ लेंथ डिफरेंस कहा जाता है। टू वेव्स दैट बिगन विद सम इनिशियल पॉइंट्स डिफरेंस कैन एंड अप विद डिफरेंट फेज डिफरेंस इफ़ दे ट्रेवल थ्रू पाथ विद डिफरेंट लेंथ बिफोर कमिंग बैक टूगेदर। इसका देखिएगा मीनिंग क्या है, ओरिजिन पे कंसीडर कर लीजिए कि दोनों वेव्स सेम फेज में हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है जब वो पी पॉइंट पे, यानी कि जहाँ पर वो दोनों सुपर इम्पोज हो रही हैं या जहाँ पर आप उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं लास्ट एंडिंग पॉइंट पे, दे मे बी इन फेज, दे मे बी आउट ऑफ फेज, इट डिपेंड्स उनका पाथ लेंथ डिफरेंस कितना था। अब इसको देखिए किस तरह से हम समझ सकते हैं, कंसीडर कर लीजिएगा ये हमारी वेव वन है, ये हमारी वेव टू है। तो अगर आप देखें तो वेव वन और वेव टू के अंदर जो हमारा पाथ डिफरेंस है वो कितने का है, 180 डिग्री का है। तो ये 180 डिग्री का है। तो अब ये देखिए क्या ज़रूरी थोड़ी है कि पी पॉइंट पे भी ये 180 डिग्री का हो। अब देखिएगा यहाँ पर एक वेव पूरी है, दो वेव पूरी हैं, और यहाँ पर आते आते 2.5 वेव आ रही हैं फ्रॉम दिस वेव या सोर्स कह दीजिए S1। दूसरे सोर्स से देखिएगा हमने जो है ट्रफ से स्टार्ट किया है, तो ये आपके पास 1 वेव हो गई है, ये आपके पास 2 वेव हो गई है, यहाँ तक आते आते 3 वेव हो गई है। तो सोर्स 2 का पी से डिस्टेंस इतना है कि दो जो है 3 वेव कंप्लीट हो रही हैं, और सोर्स फर्स्ट का डिफरेंस पी से इतना है कि आपकी 2.5 वेव या कहिए 2.5 वेव जो है यहाँ पर कवर हो रही है। तो अब आखिरी में अगर हम देखें तो दोनों की दोनों पी पॉइंट के ऊपर इन दोनों में भी फेज डिफरेंस कितने का आ गया है, दैट इज़ 0 डिग्री का। तो इट डिपेंड्स के इनिशियली दे हैव फेज डिफरेंस ऑफ 180 डिग्री, बट एट द फाइनल पोजिशन दे हैव फेज डिफरेंस ऑफ 0 डिग्री। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड और द पाथ ट्रेवल्ड और बाय द सोर्सेज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू द एंडिंग पॉइंट। ये इस बात पर डिपेंड करता है हमारा पाथ लेंथ डिफरेंस, और इसी पाथ लेंथ डिफरेंस पे हमारा डिपेंड करता है वेदर वी आर गेटिंग दैट इज मैक्सिमा और मिनिमा एट द एंड पोजिशन। एंड पोजिशन पर हमें वहाँ पर क्या मिलने वाला है, तो यहाँ जो है हम बात कर सकते हैं कि इट इज़ ड्यू टू द पाथ लेंथ डिफरेंस डेल्टा। डेल्टा विल डिसाइड कि आपकी जो है क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट गिरेगा या ट्रफ के ऊपर ट्रफ गिरेगा, दैट इज़ ऑप्टिकल पाथ। फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अगर पाथ लेंथ डिफरेंस हमारा किसके इक्वल हो जाए, एक वेव के इक्वल हो जाए, दो वेव के इक्वल हो जाए, तो अगर पाथ लेंथ डिफरेंस यानी कि S1 से P और S2 से P का जो डिफरेंस है उसको तो हम डेल्टा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इफ़ डेल्टा इज इक्वल टू 0 वेव, इसका मतलब S1 से उतनी वेव P पर पहुंच रही है जितनी कि S2 से पहुंच रही है, तो उन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का आएगा, 0 वेव। अगर दोनों के बीच में डिफरेंस एक वेव का आ रहा है तो डेल्टा इज इक्वल टू लैम्डा, या फिर कहिए डेल्टा अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू 1, तब भी मैक्स क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट या ट्रफ के ऊपर ट्रफ गिरेगा। अगर S1 से P पर और S2 से P पर लाइट जो पहुंच रही है उनमें 2 वेव का डिफरेंस है, यानी कि डेल्टा इज इक्वल टू 2 लैम्डा, या फिर कहिए डेल्टा अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू 2, अगेन यू आर गोइंग टू हैव ब्राइटनेस, आपको वहाँ पर ब्राइटनेस मिलने वाली है। नेक्स्ट देखिएगा कि डार्कनेस कब कब मिलेगी, अगर हमारा S1 से P और S2 से P का जो डिफरेंस है डिस्टेंस कवर्ड का, वो अगर हमारी हाफ वेव की इक्वल हुआ, 1.5 वेव की इक्वल हुआ, 2.5 वेव की इक्वल हुआ, यानी कि डेल्टा इज इक्वल टू 0.5 लैम्डा, डेल्टा इज इक्वल टू 1.5 लैम्डा, डेल्टा इज इक्वल टू 2.5 लैम्डा, तो ये जब जब हमारे पास कुछ इस तरह से
डेल्टा और लैम्डा का रिलेशन आएगा, वी फाइंड आउट दैट क्रस्ट के ऊपर ट्रफ या ट्रफ के ऊपर क्रस्ट फॉल होने वाला है, तो डेल्टा इज इक्वल टू 0.5 लैम्डा को आप ये भी लिख सकते हैं डेल्टा अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू 0.5। तो दिस इज द पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस अगर आपकी आधी वेव के, डेढ़ वेव की, ढाई वेव की इक्वल होता है, देन यू विल हैव अ कंडीशन वेयर क्रस्ट फॉल्स ऑन ट्रफ। क्रस्ट किसके ऊपर गिरेगा? ट्रफ के ऊपर। इट मीन्स वी आर गेटिंग अ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, हमें डार्कनेस मिलने वाली है। दिस इज ऑल अबाउट द पाथ डिफरेंस, हाउ पाथ डिफरेंस डिसाइड वेदर वी आर गोइंग टू हैव डार्क फ्रिंजेस और ब्राइट फ्रिंजेस एट द स्क्रीन। तो नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम ये देखेंगे कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से पहले ये भी हमें देखना पड़ेगा जो स्लिट्स हैं हमारी S1 और S2, उनकी जो हमारे पास थिकनेस है या जो एपर्चर है उसका डायामीटर या उसकी जो हम कह सकते हैं एक तरह से रेडियस या कितनी विड्थ होनी चाहिए, एंड हाउ दैट विड्थ इज़ गोइंग टू अफेक्ट ऑन द इंटरफेरेंस पैटर्न। तो आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे।